बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर और हम स्टार्ट करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7। देख लेते हैं कि किस हिसाब से इंडेक्स है उसका, किस हिसाब से चैप्टर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द कंटेंट्स ऑफ द बुक इन विच दे हैव शोन हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन दिस बुक, like Adventures of Isabel, Light in the Night, no, there are poems and a chapter and a poem and a chapter, okay, and these are the page numbers. This one is detailed contents. ये एक detailed content दी गई है कि chapter के अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस हिसाब से हैं, okay, that how the things are divided into categories, like the unit is Adventure of Isabel, themes, what are themes, adventure and imagination. So theme is adventure and imagination. Comprehension, what type of chapter it is, it's a poem of a dark comedy, it's a poem about a dark comedy. एक poem है जो कि comedy भी है, उसमें मजाक भी है और थोड़ा सा उसमें ऐसा आपको थोड़ा डराने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन comedy भी है. Okay, working with words like crossword, vocabulary and language idioms, ये तमाम चीज़ें हैं. फिर लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, एडवर्ब, एडवर्ब ग्रामर के हिसाब से आपको दिया गया है, वो आपको समझाया गया है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, टॉकिंग अबाउट पर्सन, वन लाइक्स. लास्ट में कंपोजिशन है, सिंपल नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव पीस, बायोग्राफिकल स्केच. सो इन दैट वे एक चैप्टर को कैटेगराइज किया गया है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें भी आप पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज अ पोएम. द पोएम इज अबाउट एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल. दिलचस्प तजर्बे इसाबेल के. इसाबेल कौन थी, उसने कौन से दिलचस्प तजर्बे किए, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे. Words to know, these are some difficult words and there are synonyms of these words. Let's see. Cavernous means a large dark cave like space. Cavernous means bahut bada, dark, andhere wala, ek guffa ki tarah ek space. Uske baad hai concoctor. Means maker, बनाने वाला. Person who mixed ingredients to make something. Person जो चीज़ें मतलब mix करके और फिर कुछ बनाए उसे बोलते हैं. Crowd, crowd. Okay, so crowd means shout out with delight, means जोर से चिल्लाना. Hideous, very ugly, बहुत बदसूरत. Pitch means a black, एक काला. स्टिकी सब्सटेंस मेड फ्रॉम डार्क, एक काला कोई सब्सटेंस, कोई एक चीज़. ओके, फिर उसके बाद है रैंको, लॉन्ग स्टैंडिंग बिटरनेस और रिजेंटमेंट. फिर रेवेनियस, करी, सेल्फ रिलायंट, स्प्रिंकल्स, वी बैक. दीज आर वर्ड्स एंड दीज आर देयर मीनिंग्स. आप पढ़ें, आप इन्हें समझें, ये आपके लिए दिए गए हैं. हम अपना लेसन पढ़ते हैं, हम लेसन को समझते हैं. लेसन में ये जब मीनिंग्स आते जाएंगे तो हम उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते जाएंगे. ओके, because it's a poem of adventures of Isabel, so we read it like a poem. हम उसे poem की तरह पढ़ेंगे, बहुत मज़े से, एक rhyming way में. poem तो rhyming way में होते हैं ना. so let's start. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. पहले मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ के, यहाँ से लेकर, या फिर हमें पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार राइमिंग में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी मीनिंग करेंगे. इसाबेल मेट एन एनॉर्मस बियर. इसाबेल डिडंट केयर. द बियर वाज हंग्री, द बियर वाज रेवेनियस, द बियर्स बिग माउथ वाज क्रूल एंड कवर्नियस. द बियर सेड, इसाबेल ग्लैड टू मीट यू, हाउ डू इसाबेल, नाउ आई विल ईट यू. इसाबेल डिडंट वरी. इसाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. Once in a night as black as a pit, Isabel met the wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled. The witch's gums with teeth were sprinkled. Ho, ho, Isabel, the old witch cried, I'll turn you into an ugly toad. Isabel didn't worry.
इजाबेल डिडन स्क्रीम और स्करी। अब हम उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, ओके? ये हमने एज अ राइमिंग के तौर पे पढ़ा ताकि आपको ये पता चले कि कितनी मज़ेदार सी है ना पोएम, कितनी मज़े से इसको लिखा गया है। बहुत हर एक लाइन में राइम आ रहा है, हर एक लाइन एक सॉन्ग की तरह, एक पोएम्स तो होती ऐसी हैं, इस तरीके से लग रही है। ये जो पोएम है ना, ये एक एडवेंचरस पोएम है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आपने ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा होगा कि एक लड़की का आपको बताया गया कि वो किस किस से मिल रही है और कैसे वो लोग वो चीज़ें उसको डरा रही हैं, लेकिन वो उसको कितने बेहतरीन तरीके से डील कर रही है कि वो डर नहीं रही उन तमाम चीज़ों से, वो उन्हें बहुत अच्छे से डील कर रही है, वो उन्हें बहुत अच्छे से उन चीज़ों को जो है वो अपने रास्ते से हटाती जा रही है, उन मुश्किलों को। इस पोएम के ज़रिए आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है, वो मैसेज हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? हम पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। इजाबेल मैट एन अनॉर्मस बियर। इजाबेल एक बहुत बड़े भालू से मिली। इजाबेल डिडंट केयर। इजाबेल डिडंट केयर। इजाबेल ने कोई परवाह ही नहीं की। द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवेनियस। भालू बहुत भूखा था, भालू बहुत खूनख्वार था। द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूल एंड कैवर्नियस। भालू का जो बड़ा मुंह था वो बहुत ही जालिमाना था और एक गार की तरह काला था, मीन्स एक जो काली गुफा आप समझ लेना उसकी तरह था। द बियर सैड, बियर ने बोला, इजाबेल ग्लैड टू मीट यू। इजाबेल बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। हाउ डू इजाबेल, नाउ आई लीड यू। कैसी हो इजाबेल, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इजाबेल डिडंट वरी। इजाबेल बिल्कुल भी नहीं परेशान हुई। इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी। इजाबेल न घबराई और ना ही चिल्लाई। लेकिन मतलब उसको बेयर मिल रहा था, एक बहुत बड़ा भालू उसे मिला, वो उसको डरा रहा था, वो उसको धमका रहा था, उसको बोल रहा था मैं तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराई, वो बड़ी चिल मूड में थी। शी वॉश्ड हर हैंड्स, शी स्ट्रेटन हेयर अप। उसने अपने हाथ धोए आराम से, बड़े मज़े से अपने हाथ धोए और अपने बालों को स्ट्रेट, मतलब पीछे ऐसे स्ट्रेट कर लिया, ओके? देन इजाबेल क्वाइटली एट द बियर अप। और फिर चुपके से वो बियर को ही खा गई, ठीक है? तो ये अब जब ये पूरा, अब जाहिर सी बात है ये हकीकत तो नहीं हो सकती ना कि इजाबेल पूरे बियर को खा जाए। सो एक फिक्शन स्टोरी बताई गई आपको कि इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी, लेकिन ये आपको एक सबक भी दिया गया है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो भी हैं घबराना नहीं है, ठीक है? उनके साथ लड़ना है आपको, बड़े मज़े से उनको सॉल्व करना है। सो भालू मिला, भालू उसको बोला था मैं तुम्हें खाऊंगा, उसने बोला तुम क्या खाओगे मुझे, मैं ही तुम्हें खा लेती हूँ। तो वो उसने क्या किया, उसने बियर को खा लिया। फिर उसके बाद फिर आगे उसको और कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किस हिसाब से वो और अपने मसलों को डील करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही हम पढ़ेंगे, ओके? बाकी जो पैराग्राफ है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये मज़ेदार जो लेसन है ना वो बड़ा ही मज़ेदार लगा होगा। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, क्योंकि बहुत सारी आगे एडवेंचर्स हैं जो इजाबेल करेगी। So, if there is any kind of problem, feel free to ask in comment section. Students, thank you so much. Allah Hafiz.